हाय, तो आज हम बनाएंगे वेरी इजी हेल्दी एंड क्विक रेसिपी जिसे आप लंच के लिए बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कुकर में 2 चम्मच तेल डाल लेंगे, फिर उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, थोड़ा ज़ीरा डालेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 कटे प्याज को डालकर 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे और उसमें फिर 1 कटे हुए आलू को डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद हम इसमें गोभी डालकर भुनेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें बीन्स डाला है और थोड़े शिमला मिर्च डाले हैं। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालकर थोड़ी देर भुनेंगे और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद सारे मसालों को अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम उसमें 1 कप धुले हुए चावल को डालेंगे। चावल को डालकर हम सारे वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसमें 1.5 कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमने 1 कप चावल ले रखा है इसलिए हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। फिर हम उसमें 1 चम्मच घी डालकर मिक्स कर लेंगे और फिर कुकर के ढक्कन को बंद करके 1 सीटी आने तक मीडियम आंच पे पकाएंगे। 1 सीटी आने के बाद हम उसमें प्रेशर को निकाल कर कुकर को खोल लेंगे और ये हमारा सुपर इजी और सुपर हेल्दी वेजिटेबल राइस रेडी है। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ, रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने आज इसे बूंदी रायता के साथ सर्व किया है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।